श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म गुंजन सक्सेना को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं। जानवी सिर्फ गुंजन सक्सेना में नहीं बल्कि रुही अफ़ज़ा तख्त दोस्ताना 2 में भी देखने को मिलेंगी। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जानवी का पूरा फोकस अपने करियर पर है। आपको बता दें, अभी हाल ही में ब्राइट स्टूडियो में दिए इंटरव्यू में जब जानवी ने इंटरव्यू दिया और उनसे उनकी शादी के बारे में कुछ सवाल पूछे गए, इस इंटरव्यू के दौरान जानवी कपूर ने अपनी शादी को लेकर मीडिया को जानकारी दी। हालांकि जानवी ने मीडिया को ये तो नहीं बताया कि वह शादी कब करेंगी, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन शादी कहाँ होगी और शादी के मेन्यू में क्या क्या होगा, ये इस बात की जानकारी जानवी कपूर ने अपने इंटरव्यूअर के दौरान मीडिया को दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मां श्रीदेवी को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे में उन्होंने बताया कि उनकी मां यानी कि श्रीदेवी का कहना था कि वह जानवी कपूर के लिए एक अच्छा लड़का खुद ढूंढ सकती हैं, क्योंकि वह लड़कों को लेकर जानवी के जजमेंट पर कभी भरोसा नहीं करती थी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि माँ ऐसा इसीलिए कहती थी क्योंकि मैं किसी के भी प्यार में आसानी से आ जाती हूँ। जानवी से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी अपने लाइफ पार्टनर को लेकर क्या राय है, तो जानवी का जवाब ऐसा था जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। जानवी ने बताया, वो लड़का अपने काम को लेकर काफी ज्यादा होनहार होना चाहिए, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला होना चाहिए और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। जानवी का पर्सनल ओपिनियन है कि वह अपनी शादी इतने तामझाम और बड़ी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि उनकी शादी तिरुपति में होगी, वो भी मॉडर्न नहीं, ट्रेडिशनल वे में। आपको बता दें, जानवी का ब्राइडल ड्रेसअप आपको देखने के लिए मिलेगा कांजीवरम से जड़ी हुई साड़ी में, ऐसा हमारा नहीं बल्कि खुद जानवी का कहना है। वहीं उनकी शादी का मेन्यू भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है और वो है साउथ इंडियन खाना, जिसमें उनकी शादी में होगा इडली सांभर दही चावल और खीर। आपको बताते हुए चलते हैं कि जानवी की अपकमिंग मूवी गुंजन सक्सेना 13 मार्च 2020 को रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।